Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Horoscopes where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं, क्या विचार है उनका एंड उनका अगला एक्शन क्या होगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. देख लेते हैं कि आपके person आपके लिए क्या सोच रखते हैं. So first of all we do have the alchemy. Okay, हमारे पास यहाँ पे है entrapment. Okay, we do have the rejection. We do have the beauty. यहाँ पे है हमारे पास प्रोकास्टिनेशन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है साइकल्स. ऑलराइट, यहाँ पे है द नंबर 25 इज इम्पोर्टेंट, 34 इज इम्पोर्टेंट, 13, 17, 8. ठीक है, जब मैं टैरो कार्ड से देख लूंगी तब मैं आपको और भी बता दूंगी साइंस क्या है. जितना तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है एरीज लियो सजिटेरियस है. यहाँ पे ऑफ कोर्स वी डू हैव एज द एक्वेरियस कुंभ राशि है. यहाँ पे स्टार कार्ड है, यहाँ पे डेथ कार्ड है एरीज एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, लियो है यहाँ पे, सिंह राशि है. ओके, ऑल राइट, यहाँ पे है नंबर 6. So 25, that is 7, 34, that is 7, 13, 4, 17, 8, 8 is very important. यहाँ पे है 6. So we do have the cycles. So यहाँ पे basically क्या है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस जरूर हो रहा है. आपके person के बारे में मैं कुछ clues देना चाहूंगी ताकि आपको पता चले कि ये reading आपका है, ठीक है, कुछ हद तक definitely. यहाँ पे ताकि आपको सुविधा होगा, ठीक है, जानने के बाद. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता है कि आपके पर्सन जो है उनको एक बात का तो गुरूर है. इधर तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगे, ठीक है, दिखने में. अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, बहुत उस तरह के, उस किस्म के इंसान. और उनको ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो कि ये अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी कामयाबी इनके लिए कुछ है ही नहीं. सो दे कैन क्लाइंब द स्टेयर्स वेरी इजिली, वो इजिली सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां पे उनको होना चाहिए. दे नो व्हाट टू डू एंड दे नो हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इनको सब कुछ पता है. सो दे थिंक लाइक दैट. देयर ईगो ऑलवेज सप्रेसेस देयर ओरिजिनैलिटी. जो उनकी जो अहम है, उनकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, मतलब जो एक्चुअल बेसिक जो है उसको दबा देते हैं. बेसिक मैनर्स एटिकेट अगर उनमें है तो वो प्रोफेशनल के साथ अच्छे से डीलिंग्स कर लेते हैं. लेकिन जब वो पहचानते हैं किसी को या अपने घर वाले के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करते हैं जो कभी कभी तो नॉन एक्सेप्टेबल है. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो आपको एक माया जाल के अंदर, ठीक है, ये एक माया जाली है. आई डू थिंक सो, मुझे ऐसा फीलिंग जरूर आ रहा है, वाइब्रेशन जरूर आ रहा है. आप लोग अभी अपने माइंड पे जोडियक साइंस के ऊपर प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि जब मैं यहाँ से क्लैरिफाई करूंगी, वेरीफाई एंड जस्टिफाई करूंगी तब मैं बता दूंगी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो आपको एक ट्रैप में, एक माया जाल में आपको फंसाया थे कहीं ना कहीं पे अपने चार्म से, ठीक है, अपने ऑरा से, अपने, देखो एक मैजिशियन क्या होता है, जो अपने स्टेज में परफॉर्म करेगा, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा पर्सनालिटी जो काफ़ी डैजलिंग है. अभी उस पर्सनालिटी के प्रति तो सबका आकर्षण होगा ही. सो आप भी कहीं ना कहीं पर आकर्षित हुए थे, चाहे उनके गुण से हो, चाहे उनके रूप से हो. वो कोई दोष की तो बात है नहीं, बट ये इंसान उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए थे उस दौरान. दे थॉट दैट जब वो चाहे तो आपके साथ वो कॉल करेंगे, बात करेंगे,
और जब उनका मूड नहीं होगा तो वो एक बात भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग्स ज़रूर हो रहे हैं कि आपके साथ आपके पर्सन की शादी तो हुई लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका यहाँ पे यहाँ से जाना, वहाँ पे जाके किसी के साथ बात करना, आपके मायके के साथ कांटेक्ट में रहना, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ वो उनको नहीं पसंद, ठीक है। वो आपको एक कमरे में बंद करके रखना चाहते थे और किए भी होंगे ऐसा कुछ इस तरह से। बेसिकली ऐसा नहीं है कि दे हैड बिकम सम काइंड ऑफ अपोजिसिव एंड एन एडिक्टिव पर्सन। लाइक कुछ लोगों के लिए आपको इसलिए ठुकराया गया है, आपको ये समझना पड़ेगा, बिकॉज देयर वेर 100% चांसेस ऑफ बीइंग इन अदर रिलेशनशिप, वरना रिफ्यूज़ल का तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ उनके दिल दिमाग पे चल रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, ठीक है। सो ये इंसान कितना वाकिफ है सोचो, ये अपने गलती जो किए हैं उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आँखों में, ठीक है, उनके आँखों में पूरी तरह से पर्दा भी था, ऐसा भी नहीं था। कुछ डिसीशन उन्होंने जानबूझ के लिया है ना, कुछ डिसीशन कुछ फैसला तो वो खुद ले सकते थे, खामखा उन्होंने अपने परिवार के ऊपर इल्ज़ाम दिया कि नहीं मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता या नहीं बढ़ा सकती। ये इंसान दूर रह के भी आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, वॉच किए ही जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा पहले से पर्सनैलिटी में आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो पहले से, लेकिन ये इंसान फिर भी आप अगर बोलोगे तो ये अगर मुझे वॉच कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनका स्वभाव जो है उसी तरह से है, दे ऑब्जर्व पीपल माइन्यूटली, हर एक डिटेल्स ए टू जेड ऑब्जर्व करना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो तभी भी ये चेक करते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जितना लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो उतना वो नहीं करते। जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर थ्री रिलेशनशिप इन अ रिलेशनशिप, वन इज विथ योर सेल्फ, एक आपके साथ होता है खुद का, एक उनका खुद के साथ होता है, और थर्ड है आपके साथ उसका क्या होता है, थ्री रिलेशनशिप्स इन वन रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ पे आपने अपने आप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उनको आपने समझने की कोशिश की, आप उन्हीं के जैसे बनते गए और वो खुद को लेकिन पहचानते हैं, खुद को लेकिन जानते हैं, तो यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया जहाँ पे आप अपने आप को सिर्फ खोते गए हैं इस रिलेशनशिप में और पाए कुछ नहीं। और जब आप बाहर आ गए हैं, रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑन एंड ऑफ तो होता ही है, रूटीन जैसे हो चुका है, एक पैटर्न जैसे बन चुका है, आज के दिन अच्छा बात होगा कल के दिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना पॉइजनस हो जाएगा रिलेशनशिप, खुद कुछ दिन के बाद ये इधर कॉन्टैक्ट करेंगे या आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो देर इज अ रिपीटेटिव साइकिल, सो यू हैव टू मूव फ्रॉम दैट पैटर्न, आपको उस पैटर्न से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने आपको नहीं समझा था, डिले कर लिया आपने, ठीक है, बहुत देर हो चुका है कि जहाँ पे आपने आपको बहुत अच्छा से आप इम्प्रूव कर सकते थे लेकिन आपने होश संभालने में ही बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। सो अभी हम देखते हैं कि क्या है इनके मन में, क्या कुछ चलता है इनके मन में। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच विचार करते हैं। सो व्हाई दिस एल्केमी, देखो यहाँ पे क्या है, एल्केमी इज लाइक दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल चीज़ को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। सो यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप भले ही सिंपल है लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उसी का रिजल्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूशन, दिस इज लाइक द जजमेंट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेष और वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे उनकी आपकी जब से थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ है, या कहीं ना कहीं पे आप इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ है, या कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं,
खुद आपने बदलाव किया है तो तब से या आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देना भी शुरू किए हैं। सो दे थिंक दैट पहले तो आपको लगता था कि एक मैजिशियन है, अब इनको लगता है कि दैट यू आर अ मैजिशियन। सो यू आर सो गॉर्जियस कि आपको पाना बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है लालच। सो कहीं ना कहीं पर उनको अभी लग रहा है कि यू आर सो ग्रेट, राइट? सो आपको पा क्या वो सकते हैं, आपको क्या वो हासिल कर सकते हैं? कभी कभार उनको उनके दिल में ऐसा भी होता है, शायद नहीं और शायद हाँ, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे एंट्रैपमेंट। सो लवर्स, यहाँ पे एक चॉइस है। देखो जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे क्या है, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी अटैच्ड हो चुके थे, एडिक्टेड हो चुके थे। आप ये इंसान अगर आपको टॉर्चर भी कर रहे थे मेंटली फिजिकली, तभी भी आप इन्हीं के पास थे, राइट? इन्हीं के हवाले आपने आपको किया। बट मे बी, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से है, ये आपके ऊपर क्यों ऐसा करते थे, क्यों, वाई, वाई डिड दे पुट द स्टिक लाइक दिस, वाई डिड दे रूल यू और कमांड यू, क्यों, कौन ऐसा करता है, ठीक है, कौन ऐसा करता है जिसके पास चॉइस होता है। सो लवर्स इज नॉट ऑलवेज अ सोलमेट कार्ड गाइज, इट इज अ चॉइस। सो हो सकता है उनके पास चॉइसेस थे, आप भी जानते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी दुख मुझे दिख रहा है, जस्ट टीयर्स इन योर आईज, ठीक है, तो रो लो तो हील हो जाओगे, रो लो। ओके, रिजेक्शन क्यों है यहाँ पे, रिजेक्शन इसलिए है, क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया, या ये ऐसा सोच रहे कि मैंने रिजेक्ट किया, क्यों किया था रिजेक्शन, बिकॉज आई डू थिंक सो कि आपके अंदर वो जो सुंदरता है, आपके अंदर जो एक आप बहुत कुछ चीज़ें जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, मे बी दिस पर्सन वॉज जेलस ऑफ यू, मे बी दिस पर्सन डिड नॉट लाइक यू, ये एंड करना चाहते थे रिलेशनशिप को, इनके साथ आपका मैच नहीं हो रहा था, मे बी आपकी मेंटेलिटी कुछ और था, इनकी मेंटेलिटी कुछ और था। सो जब समय आया, जब आपने इनको कहा कि क्या करना है, तो इन्होंने आपकी प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया, जैसे उनको लगा कि नहीं आप लायक नहीं है। लेकिन कौन कहता है आप लायक नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे एक लोटस दिख रहा है, लोटस भले कीचड़ में रहता है लेकिन है तो वो पंकज ही ना, वो तो उठता ही है, वो तो सुंदर है ही, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये इंसान आपकी सुंदरता को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाए, मे बी यू आर ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड एंड मोर ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, चाहे आप कैसे भी हो दिखने में, लेकिन आपके अंदर का जो सुंदरता है या आपकी स्ट्रगल्स उन्होंने नहीं देखा, जब उनको आपका साथ देना चाहिए था तब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, जब आपकी खराब समय, देखो खराब समय सबका चलता है, तब उन्होंने आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया, ये इस चीज़ का अफसोस है। एंड दे आर रिसीविंग ऑल्सो, ठीक है, दे आर ऑल्सो रिसीविंग द सेम प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किया वही प्रॉब्लम्स वो भी रिसीव कर रहे हैं। ओके, व्हाई इज दिस ब्यूटी, यस, पेशेंस, 17 नंबर यहाँ पे है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान के लिए ऐसा प्रायोरिटी था हमेशा ही कि जो मार्केट में हो, जो, क्योंकि वो इंसान इस तरह का ही मेंटालिटी रखते हैं, जो बेस्ट होगा उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा या उसी को मैं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मेरे चॉइसेस कुछ अलग ही है भाई, ठीक है, मेरा कुछ स्टैंडर्ड है, इस तरह से इनका सोचना, ठीक है, और आप इनके लिए वेट करते गए करते गए करते गए, एंड फाइनली नथिंग टर्नड अप, कुछ हुआ नहीं फाइनली। ओके, तो ये जो समय आपका चला गया, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके समय जो है वो काफ़ी आपने खो दिया है इस इंसान के लिए, अभी ये इंसान अपना समय खो रहे हैं आपको जानने के लिए, आपकी मूड चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी मूड चेक करके आपके साथ बात करें, देख लेते हैं आपकी मूड कैसे है, मे भी कुछ मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं या किसी से पूछते हैं,
कि ये अभी क्या कर रही है, क्या कर नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आपकी मूड चेकिंग करते हैं एंड देन दे ट्राई टू स्पीक. सो दे आर नाउ वेटिंग फॉर यू. जो वक्त उन्होंने आपका खराब किया, अभी वो वही वक्त आपको देना चाहते हैं. देखा, प्रोकास्टिनेशन, इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रोकास्टिनेशन इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ डिले. ओके, डिले क्यों हो रहा है? देखो, द नाइन, दिस इज द हर्मिट कार्ड वर्गो. यहाँ पे अलोननेस, दिस इज नॉट लोनलीनेस. कभी कभार उनके मन में ऐसा भी, देखो मैं फ्रैंकली बताती हूँ, कभी कभार उनके मन में अगर लोनलीनेस होता तो मैं बता देती. अलोननेस एंड लोनलीनेस आर डिफरेंट. अलोननेस मतलब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है. ये फीलिंग्स उनके मन में कभी कभार ऐसा भी आता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला चल सकता हूँ और मुझे कोई भी पर्सन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है. वो सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रही, वो करते भी ऐसा है. सो प्रोकास्टिनेशन, अगर आप बोल रहे हो, अगर वो आपके लिए इतना क्यों सोचते हैं, फिर वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं या कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना हमें लटका क्यों रहे हैं, स्टक क्यों है, तो इसका रीज़न वही है. कभी कभी उनको लगता है बिना रिलेशनशिप के भी वो अच्छे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं. अल्टीमेटली तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनका सोचना कुछ इस प्रकार का है. यहाँ पे देखते हैं साइकिल्स क्या है. सो दिस इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेटेड, आई डू थिंक सो, ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना यहाँ पे. सो वाई दिस साइकिल्स, सिक्स आया और यहाँ पे भी सिक्स है. देखो, जो भी बोल रहे हो वही मैनिफेस्ट होते जा रहा है. सो बेसिकली अगर आपको इस रिलेशनशिप में जीत हासिल करना है या उनको भी जीत हासिल करना है, यू हैव टू बियर द कार्मिक साइकिल, ठीक है. जो हमारे कर्म होते हैं उसी के साथ साथ हमें चलना भी पड़ता है. हमने जो कर्म प्रीवियसली किया या अभी जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी हमारे डेस्टिनी भी वैसा ही है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा अप एंड डाउन आप दोनों के रिलेशनशिप में होता रहेगा, बट फाइनली जाके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, देयर कैन बी अ सुपर सक्सेस इन योर रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ बींग कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई डू थिंक सो दैट दे ऑल्सो वॉन्ट द सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप. ये इस रिलेशनशिप में सक्सेस ही सक्सेस डिमांड करते हैं. मे बी दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 6 days, 6 hours, 6 weeks, ठीक है. द डेट 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम देख लेते हैं उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, उनका फाइनल फैसला क्या होगा. प्लीज बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. थ्री ऑफ का सेलिब्रेशन. सो दे मे कॉल यू एंड आई डू थिंक सो यहाँ पे सेलिब्रेट करना मतलब हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो गई है, हो सकता है कि एनिवर्सरी में आपको कुछ सरप्राइज दे. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये डेफिनेटली आपको लेके बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि आप उनको अपने जीवन में एक आउटसाइडर ही समझो, ठीक है. देखो, द क्रिएटर, सो ऑफकोर्स जो देवता है, जो ब्रह्मांड है, जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, वो हमारे हित के लिए ही होता है, राइट. सो ये इंसान अभी फिलहाल, इनका मेंटालिटी जो है वो आपके हित में जा रहा है, फेवरेबल जा रहा है उस तरह से. भले कॉम्प्लिकेटेड देखो तो हो ही सकता है, देर इज नो इशू, बट इन द फ्यूचर आई कैन सी देर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑल रीडिंग्स आर जनरल, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट उस तरह से मैं देखती हूँ कि यस, देखो वी आर द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया ही हैं, ठीक है. दुनिया में कोई फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि सब लोग रू ही है एट द एंड ऑफ द डे. सो देर इज अ हैप्पी एंडिंग. यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्यूब से, यस, दे वॉन्ट टू मेक इट स्टेबल, स्ट्रांग एंड डेफिनेटली. चाहे जितने भी हर्डल्स आ जाए, जितने भी मुश्किल हालात हो जाए, ये आपके साथ निभाएंगे, नो डाउट, नो मैटर वट. ओके, एंड
आई डू फाइंड कि आप लोग भी अपने सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर सिर्फ भरोसा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके लिए भी सजेशन दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है। आप तो बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हो, नो डाउट, ठीक है। आपको खुशी इंस्टेंटली नहीं मिल रहा होगा इस न्यूज़ को सुनने के बाद भी कि उनका फाइनल एक्शन अच्छा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आई डोंट नो, शायद खुशी नहीं हो रहा है आपको ना। लेट्स सी व्हाट्स द सजेशन फॉर यू। द आइस क्वीन, आइडियाज प्रिजर्व्ड, नॉन एक्शन एंटरटेनमेंट। 28, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके मन में होगा वो शायद दब जाएगा, बर्फ के नीचे प्रिजर्व हो जाएगा, मतलब कभी भी उसका शायद कोई फायदा नहीं होगा या शायद वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन बर्फ भी पिघल जाता है, राइट? बर्फ पिघलेगा ही जब सनराइज होगा। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्प। 12, सो हमेशा आप बहुत बड़े चीज़ों को देखने की कोशिश करें, बड़ा सोचे, बड़ा कुछ करें, ठीक है, अपने लिए करें, लोगों के लिए नहीं। यहाँ पे है द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन प्रेज एंड डिसऑनेस्टी। जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी बातचीत के दौरान अगर उन्होंने कुछ गलत बोला, कुछ ऐसा वर्ड्स यूज किया जो आपके लिए टॉलरेट करना मुश्किल था, सो ये सारे चीज जो है ये बेसिकली क्या है ना, इट वॉज ऑलरेडी रिटन, इट वॉज ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी, दैट्स वाई इट हैपन। सो डोंट टेक इट सो सीरियसली गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। बाय।